ये सब चर्चा आगे लेके चलते हैं, कैसी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। विकास गुप्ता हमारे साथ हैं, ओमनी साइंस कैपिटल के फाउंडर हैं। विकास, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी बातचीत, जो फर्स्ट क्वार्टर के अपडेट्स आना शुरू हैं। इनफैक्ट बैंकिंग सेक्टर की अगर हम बात करें, विद इन दैट काफ़ी अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। इधर हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर की क्रेडिट ग्रोथ भी 3 साल के हाई पे आ गई थी, 13%। आपको बैंकिंग स्पेस कैसा नजर आता है इस समय, कहाँ पे बेट्स लेना उचित रहेगा? तो बैंकिंग में सी एक एक हमें नेक्स्ट 3 to 5 years की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज है प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर, सो द डिमांड फॉर कैपिटल जो है वो करीब 200 लाख करोड़ की है। तो इट्स ह्यूज, ठीक है। अब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसमें कुछ इक्विटी होगा और मेजॉरिटी उसमें से डेट से होगा, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स तो उसी से होता है, और वो अपॉर्चुनिटी हमारे प्राइवेट बैंक्स और एक जो बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उस पे भी देखा जा सकता है। बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड उसमें भी जो सब बेस्ट वेल नोन है वो आज बहुत ही अच्छे रेट्स पे मिल रहा है, ओके? तो जो वैल्यूएशन मार्केट उनको दे रहा है वो बहुत रॉन्ग है, मिसिंग हो रही है। तो उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, और ये सिर्फ लेंडिंग के हिसाब से नहीं है, वो तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ही, लेकिन आपको बहुत सारे लोगों को फिनटेक में इन्वेस्ट करना है फॉर एग्जांपल। तो ये फिनटेक वॉर जो है, जो कि हम एक न्यू एज जो आईपीओ वाले आए हैं उनके नाम से फिनटेक की एक लहर आई थी, लेकिन अपॉर्चुनिटी एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में है इंटरेस्टिंगली, ओके? तो ये इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रेरियन प्ले है कि आपको डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक, सम ऑफ द बेस्ट वेल नोन बैंक्स आज आपको वो अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं और वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा दे रहे हैं। ये तो हो गई प्राइवेट बैंक्स की तरफ, आपका रुझान क्लियर नजर आ रहा है और नंबर्स भी दिख रहे हैं। मेटल्स में क्या कहेंगे आप? मेटल ने एक भयंकर रैली के बाद, क्योंकि ग्लोबल मेटल प्राइसेस नीचे आ गए 20-25%, माफ कीजिएगा, अपने टॉप से काफी गिरावट हुई है। आज जेफरीज कह रहा है कि अभी बहुत जल्दी है, जम मत अट्रैक्टिव प्राइसेस देख के। तो मेटल्स ऑब्वियसली ये एक साइक्लिकल सेक्टर है, और साइक्लिकल सेक्टर आपको बहुत केयरफुली करना पड़ता है, और साइक्लिकल सेक्टर का एक्चुअल अपॉर्चुनिटी तो तभी होता है जब साइकिल स्टार्ट होने के पहले। जब अब ये है कि अब साइकिल पीक पे है या पीक से थोड़ा हम आगे चल रहे हैं, तो उस समय सब कुछ ट्रेलिंग आपको अर्निंग्स बहुत अच्छी लगती है, ट्रेलिंग ग्रोथ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन डेफिनेटली ये बहुत कॉशियस रहना चाहिए। और इन जनरल मैं यही रेकमेंड करूंगा कि अनलेस आपको बहुत अच्छी पकड़ है इस सेक्टर की, आप दूर रहें, है ना? बिल्कुल विकास, गुड आफ्टरनून। काफ़ी इंसाइट्स आपके तरफ से आते हुए, और इनफैक्ट आपके एनालिसिस को जब मैं पढ़ रही थी, आपका एक यूएस मार्केट्स पर, ग्लोबल मार्केट्स पर भी इन्वेस्टमेंट का नज़रिया, इनफैक्ट इन्वेस्टर्स को आप लगातार ये हिदायत, ये एडवाइस भी दे रहे हैं, किस तरह से आप अपने आइडिया को बैक करते हैं और एक पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किस तरह से किया जाना चाहिए इस हिसाब से फिर? तो डेफिनेटली देखिए, आप अगर पूरा इंडिया में स्टॉक्स में हैं तो बाहर का हम अगर एक यूएस इन्वेस्टमेंट्स उसमें ऐड करते हैं पोर्टफोलियो में तो एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। इसमें हमें दो बेनिफिट है, एक तो अलग इकोनॉमी है वो और हमारी इकोनॉमी अलग है, दोनों अपने अलग ग्रोथ रेट्स पे और डायरेक्शंस पे चलते हैं। जब उनका रिसेशन है हमारा रिसेशन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये एक इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। सेकेंडली हमें रुपी डेप्रिसिएशन का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, हमारे प्योर इंडियन पोर्टफोलियो में। तो जब आप एक ऐड कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट तो आपको जितना रुपी डेप्रिसिएशन होता है वो आपको बेनिफिट होता है उस पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो में, तो ये एक सेकेंड रीजन है। बट सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आज की डेट में क्यों मैं कह रहा हूँ, इज डाइवर्सिफिकेशन तो सदाबहार है, एवरी ईयर एवरी टाइम यू हैव टू डू, लेकिन आज की डेट में आप देखोगे कि S&P 500 जो उनका हमारे निफ्टी के जैसा है इंडेक्स, वो 20% डाउन है, जिसको बेयर मार्केट बोलते हैं। रसल 2000 जो कि उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 24-25% डाउन है, और नैसडैक जो कि टेक्नोलॉजी या न्यू एज कंपनीज के लिए फेमस है, उसमें है दूसरी कंपनीज भी बट नैसडैक प्राइमरीली उसके लिए है, दैट इज 30% डाउन।
तो हमें आज और इंडियन मार्केट हम कंपेयर करें, इंडियन मार्केट डाउन है अराउंड 10%, विच इज द करेक्शन। मिड कैप स्मॉल कैप अराउंड 15%, 15-16%। तो ये हमें बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर गलती से अगर मैंने कोई नाम दिया है वो इलस्ट्रेशन के लिए, वो रिकमेंडेशन नहीं है। पर यूएस के जो कुछ आप टॉप कंपनीज भी देखेंगे, वो आज आपको 20 के पी, मतलब हम लोग पी देख के नहीं इन्वेस्ट करते हैं, बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ईजी टू अंडरस्टैंड वो है, 20 के पी या उसके कम में आपको मिल रहे हैं ट्रिलियन डॉलर कंपनीज, जिनकी मार्केट कैप 2 ट्रिलियन या 1 ट्रिलियन या 800 बिलियन डॉलर्स। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जिनकी मोट है, जो एकदम डोमिनेंट है, वो आज आपको इतने सस्ते में मिल रही है कंपेयर टू बेस्ट ऑफ इंडियन कंपनीज। तो एक क्लियर अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी को हमें लेना चाहिए। और इसमें एक पॉइंट और मैं बता देना चाहूंगा, क्योंकि हमें एक परसेप्शन है कि रूपी डॉलर के अगेंस्ट में गिर रहा है, तो अराउंड 7% ड्रॉप हो चुका है राइट फॉर द ईयर। लेकिन आप कंपेयर करोगे पाउंड से या आप कंपेयर करोगे यूरो से, तो हम 7% अप है रूपी। ओके, तो ऐसा भी नहीं है कि रूपी इज इंडिकेटिंग कि इंडियन इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम है, वैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट आप यूरोपियन इकोनॉमी से ऊपर जा रहे हो, आप अप्रिशिएट कर रहे हो। तो एक टेम्पररी वो रूपी का फॉल है, और उसमें भी FII पुल आउट का भी एक रीजन है। तो ये एक टेम्पररी चीज है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन सब टू इन्वेस्ट इन US मार्केट्स। ऑलराइट, तो यूएस मार्केट्स पे तो ये एक व्यू निकल कर आ रहा है विकास आपका, साथ ही आपने जैसे खुद भी बताया कि कई सारी कंपनीज हैं जो इस वक्त अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे हैं, लेकिन ये क्या अभी भी इतने बड़े फॉल के बाद भी क्या टेक्नोलॉजी स्पेस अभी भी अट्रैक्टिव नहीं लगता? अब तो रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा TCS से, और कई सारी मिड कैप स्पेस की कंपनीज क्लियरली कह चुके हैं क्लाउड में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, रिकॉर्ड ऑर्डर्स है उनके पास, और बड़ी ग्रोथ इन स्पेसेस में देखते हैं। इन्फोसिस तक अपनी बात कर चुकी है, एक्सेंचर के नंबर्स हमने, और वहां पर भी उन्होंने बताया कि ग्रोथ ड्राइवर्स स्ट्रॉन्ग है। इन सबको देखते हुए भी अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, एक लोग जब मार्केट गिरता है या कोई स्टॉक या सेक्टर के प्राइसेस गिरते हैं, तो फोकस क्या हो जाता है? नेगेटिव नैरेटिव पे। तो जबकि कोई भी इंडिकेटर नहीं है, लेकिन ये है कि भाई रिसेशन यूएस में आएगा, और यूएस रिसेशन आएगा तो फिर आईटी सेक्टर को कम ऑर्डर मिलेंगे या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। जबकि आप अगर आपने अभी एक्सेंचर का नाम लिया फॉर एग्जाम्पल, तो आप एक्सेंचर का अगर अर्निंग्स कॉल देखेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में उन्होंने बताया है, उनको कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया रिसेशन के बारे में एंड ऑल दैट, तो उसमें उन्होंने वही बताया कि इनफैक्ट रिसेशन से उनको अपॉर्चुनिटी आ रही है। सो कंज्यूमर सेक्टर में फॉर एग्जाम्पल पॉसिबल है रिसेशन नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर, तो डेफिनेटली कोई भी CEO है कंज्यूमर कंपनी का US में, तो वो ये सोचेगा कि ओके मुझे क्या करना है। इफ दिस हैपेंस, इट डजंट मीन कि ऐसा होने वाला है, पर तो वो प्रिपेयर्डनेस में उसने एक्सेंचर से ये पूछा है कि हम कॉस्ट मैनेजमेंट में और क्या कर सकते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो आप ये देखो कि एक तो ग्रोथ और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अपॉर्चुनिटी, और क्लाउड का जैसे आपने बताया पाइपलाइन भी स्ट्रांग है, ऑर्डर्स भी स्ट्रांग है, सब कुछ अच्छा है। पर उसके बाद में नई अपॉर्चुनिटी ये आ रही है ग्रोथ की फर्दर, कि भाई कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग कम होने के बदले में आज कोविड के दौरान जो सिचुएशन रही, उससे हर CEO जानता है कि मुझे IT में बजट बढ़ाना है। अगर कोई प्रॉब्लम है, रिसेशन है या इन्फ्लेशन है या मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरे को टेक्नोलॉजी यूज करके उसका बजट बढ़ा के मेरी टोटल एक्सपेंडिचर कम हो सकती है। तो इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, और थोड़ा कॉन्ट्रेरियन है बिकॉज प्राइस गिर रहा है तो लोगों को ये लगता है कि कुछ गड़बड़ है, पर हमारे एनालिसिस में कोई भी गड़बड़ नहीं है, और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी नहीं टेक्नोलॉजी में एंट्री। विकास सर, अभी हम कुछ ग्राफिक्स चला रहे थे और हमने ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च रिपोर्ट पढ़ा बोफा का, वो ये कह रहे हैं कि ग्लोबली जो फंड मैनेजर्स हैं उनके कैश लेवल्स वापस एलिवेट हो गए हैं, और एक्सट्रीम बेरिश एकदम बहुत ही ज़्यादा बुरा इन्वायरमेंट बड़े ग्लोबल फंड मैनेजर्स इस समय मान के चल रहे हैं और फ्लो जारी है। क्या ये एक्सट्रीम बेरिशनेस भाव में हो गई है डिपिक्ट? क्या ये पीक ऑफ पेसिमिज्म है, क्योंकि उसी के टाइम पे तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होते हैं, या आपको लगता है भी और आउटफ्लोज पॉसिबल हैं? क्योंकि 40 बिलियन डॉलर के आउटफ्लोज हमने देखे इंडिया में FIIs से, वो सब एब्जॉर्ब हो गए यहां तक। करेक्ट,
तो देखिए थोड़ा और आउटफ्लो तो एफपीआई का पॉसिबल है, क्योंकि उनको न्यू इंटरेस्ट रेट रेजिम जो है उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो अलाइन करने हैं। तो जो लो इंटरेस्ट रेट रेजिम में हायर रिस्क वाले जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं, विच मींस इमर्जिंग मार्केट, और उसमें इंडिया आता है, तो वहां पे एलोकेशन ज्यादा होता है। जब आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मतलब आपको अपने बॉन्ड्स में, यूएस के बॉन्ड्स में, यूएस के एक्विटीज में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप थोड़ा इमर्जिंग मार्केट और रिस्की एसेट में कम करके उसमें बढ़ा लेते हो। लोअर रिटर्न, आपको हायर रिटर्न आ रहा है, तो वो बढ़ा लेते हो। तो उस हिसाब से वो एफपीआई फ्लो हो रहा है, और वो थोड़ा बहुत और हो सकता है। तो उस वो नहीं बोल सकते कि स्टॉप हो गया, वी आर एट बॉटम, पर पेसिमिज्म प्रोबेबली हम लोग पीक पे हैं, ये कोई मुझे इसमें ज्यादा डाउट नहीं है। अगेन नोबडी कैन बी टेलिंग के कल क्या होगा, लेकिन मेरे हिसाब से पीक मैक्स पेसिमिज्म है। और टेम्पलटन, जो जॉन टेम्पलटन बोलते थे कि भाई पीक पेसिमिज्म पे आपको इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए। एक एक तरीका है कि आप पूरा का पूरा अभी नहीं डाल दें, और आपको लग रहा है कि अगर आगे भी होगा नेगेटिव मार्केट सिनेरियो या एफपीआई आउटफ्लो कंटिन्यू, तो एक हम काम कर सकते हैं कि जो एमपीसी, जो आरबीआई के कैलेंडर है उसको ट्रैक करें, और जो फेड का कैलेंडर है एफओएमसी का, उसको ट्रैक करें, और उस कैलेंडर के हिसाब से हम एक 6 या 8 चंक में डिवाइड करते हैं ओवर नेक्स्ट 1 ईयर। सिर्फ FY23 नहीं बोल रहा हूँ, एक नेक्स्ट 12 मंथ्स में। तो ये 6 से 8 इवेंट होते हैं, उन इवेंट्स को फॉलो करके जस्ट उनके 3-4 दिन बाद जब उनका स्टेबलाइज हो जाता है, तो आप अपना चंक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका वी आर रेकमेंडिंग। बिल्कुल विकास, ऑफ कोर्स आप जिस तरह से बाजार पर अपनी एनालिसिस बता रहे हैं, लेकिन स्पेसेस पर अगर फोकस करें, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी इज कमिंग टू अ रेस्क्यू, क्लियरली हम देख रहे हैं। इनफैक्ट आईटीसी पर्टिकुलरली अपने सारे बैक स्टैबर्स को गलत साबित करते हुए आज 3-ईयर हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एफएमसीजी प्ले पर अपनी राय, अपना एनालिसिस, आईटीसी जैसे स्टॉक्स पर अपनी राय बताएं। तो आईटीसी एक अलग चीज हो गई, बाकी एफएमसीजी आई वुड कीप इन सेपरेट बास्केट, ठीक है? तो आईटीसी अभी भी कंपेयर टू यू नो वैल्यूएशन वाइज वेरी अट्रैक्टिव, और आप उसको सम ऑफ द पार्ट्स करेंगे तो उसमें प्रोबेबली अंडर वैल्यूड आपको सिग्निफिकेंटली मिलेगा, पर ये रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है? लेकिन बाकी एफएमसीजी अभी भी गिरने के बाद भी इतना ओवर वैल्यूड है, इनको हम उस कैटेगरी में रखते हैं। भले ही वो स्टेबिलिटी आज दे रहा हो पोर्टफोलियो को, बट फ्रॉम लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव आज हम उसको कैपिटल इम्प्लोडर्स बोलते हैं, और हम उसमें नहीं रेकमेंड करेंगे ओवर वैल्यूड एफएमसीजी में। ऑल राइट, तो आपको एफएमसीजी के पैक ओवर वैल्यूड लगते हैं विकास, लेकिन अब अगर अब बाजार के लिए जो बड़ा ट्रिगर है वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी है। उस कॉर्पोरेट अर्निंग के लिहाज से अगर हम यहाँ बात करें, ये तो बहुत ही एविडेंट है और अपेरेंट है कि मार्जिन प्रेशर रहे हैं बिकॉज क्रूड की एलिवेटेड लेवल्स थे, लेकिन अभी अर्निंग डाउनग्रेड वो कहाँ कहाँ आ सकते हैं? अभी जो रिसेंट एक और इंस्टेंस हुआ एनर्जी पैक पर भी, जिस तरह से यहाँ पर एक्सपोर्ट्स की बात की जा रही है, जाहिर तौर पर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी चंक होगी, अर्निंग डाउनग्रेड के चांसेस ज़्यादा होंगे। आप कौन से स्पेसेस में अर्निंग डाउनग्रेड की पॉसिबिलिटी ज्यादा देख रहे हैं? मतलब कमोडिटीज तो ऑब्वियस है ना, मेटल्स और अदर कमोडिटीज के, उसमें अर्निंग्स डाउनग्रेड इज अ गिवन। और अगर ग्रोथ, ग्लोबल ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन होती है, रिसेशन नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्लो डाउन भी होती है, और थोड़ा यूक्रेन वॉर थोड़ा सेटल होता है, नंबर 2। थर्ड, अगर सप्लाई चेन डिसरप्शंस जो हो रहे हैं ग्लोबल, प्राइमरीली चाइना की तरफ से, यू नो, जीरो कोविड पॉलिसी और वो सब की वजह से, तो वो भी ईज आउट होने लगे हैं। तो अगर एनी ऑफ दोज थिंग्स हैपन, तो ये कमोडिटीज पैक और ऑयल एंड गैस, ये दोनों में तो अर्निंग्स डाउनग्रेड के चांसेस हाई है। और सेकेंडली, उनके वजह से एक्चुअल में तो अर्निंग्स फ्यूचर के FY24 वगैरह के अर्निंग्स या Calendar 24 के इंक्रीज होंगे फॉर द पीपल हु यूज दैट, जो जो इनपुट्स यूज करते हैं कमोडिटीज को या ऑयल एंड गैस को। लेकिन नियर टर्म में नेक्स्ट 2 क्वार्टर के लिए उन उन इनपुट यूजर्स को भी हम डाउनग्रेड मान सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट विकास, एक आखिरी सवाल, ये जो मेटल्स में गिरावट आ रही है, इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है कैपिटल गुड्स। अगर आज आप देखें, एबीबी, सीमेंस,
ये सारे स्टॉक्स डेज हाई पे हैं और अदरवाइज भी इनमें एक अपवर्ड सा मूवमेंट आ रहा है? कैपिटल गुड्स आपको पसंद आता है क्या सेक्टर, क्योंकि ऑर्डर बुक भी काफी इंप्रूव रही है इन कंपनीज की? एब्सोल्युटली, जैसा हमने ऊपर बैंकिंग के बारे में पहले बातें की कि 200 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, कैपेक्स इन्वेस्टमेंट होने वाला है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर मिला के नेक्स्ट 3 to 5 years में, ओके? तो ये अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली जो स्पेंडिंग जो इसकी है वो तो कैपिटल गुड्स में ही जाएगी प्राइमरीली, ओके? और डेफिनेटली उसमें एक अपॉर्चुनिटी है और पाइपलाइन और ऑर्डर बुक तो और बढ़ने वाली है नेक्स्ट 2 साल में। ठीक है, ऑर्डर बुक और बढ़ने वाली है, इस स्पेस पर खास फोकस है, ये तो हम बात कर भी चुके हैं कि जितने भी कमोडिटी कंज्यूमर है उन स्पेसेस के लिए क्या क्या सिल्वर लाइनिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आज समय देने के लिए, इन सारे मैटर पर इनसाइट शेयर करने के लिए, अपना व्यू शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।